मार्केट में स्टोन के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, हमें अपने इंटीरियर में कौन सा लें कौन सा नहीं लें काफ़ी कंफ्यूजिंग है। हे वेलकम बैक टू फ्लावर्स ऑफ डिज़ाइन। आज मैं आपको ओनिक्स स्टोन के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग के साथ हम जानेंगे कि क्या इसकी क्वालिटी होती है, क्या फ़र्क होता है, क्या प्राइस होते हैं, कैसे केयर करें, सब डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आइए शुरू करते हैं। जितने भी ओनिक्स के ऑप्शन देख रहे हैं, ये आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, ये सारे ओनिक्स हैं। इसमें कुछ नेचुरल है, कुछ आपके आर्टिफिशियल है। अब इनकी पहचान कैसे होती है, कौन सा आर्टिफिशियल है कौन सा नेचुरल है, ये इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो ये देखिए, ये नेचुरल है, इसमें जो ग्रेन्स है वो अनकंडीशनल है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा आप देख सकते हैं। ऐसे ही ये भी नेचुरल है, इसमें भी आप ग्रेन्स देखोगे, कहीं पे डार्क कहीं पे नेचुरल आपको ब्यूटी मिलेगी, कहीं पे भी कंट्रोल नहीं है। जैसे पेड़ के हम ग्रेन्स देखते हैं उसमें कंट्रोल नहीं होता, वैसे ही इसमें भी होता है, इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वैसे ही ये भी एक नेचुरल स्टोन है ओनिक्स का, देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो आर्टिफिशियल होता है, उसमें बिल्कुल ही आप देखोगे एक्यूरेट होता है, कैलकुलेटेड होता है, सिमिलर आपको मिलेंगे जो ग्रेन्स है। ये मोस्टली जो होते हैं अनसेचुरेटेड रेशिन और फिलर से बने होते हैं, जिसमें पिगमेंट यानी काफ़ी सारे कलर मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे इसमें एक और कलर है ऑफ वाइट, ऐसे बहुत सारे कलर ऑप्शन आते हैं, हम मार्केट में देख सकते हैं। ये इनकी पहचान हो गई, आप फर्क भी समझ सकते हैं कि जो नेचुरल है और जो आर्टिफिशियल है उनमें क्या फ़र्क है। अब इनकी मेंटेनेंस कैसी होती है, जो नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल होते हैं, वैसे तो डाइनिंग आप ले रहे हैं या कोई भी कॉफ़ी टेबल वगैरह के ऊपर आप स्टोन यूज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर पॉलिस्टर कोटिंग होती है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग होती है और मेंटेनेंस कम हो जाता है। तो ड्यूरेबिलिटी वाइज दोनों की सेम ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन रफ़ एंड टफ में ये है कि आर्टिफिशियल थोड़ा रफ़ एंड टफ होता है। एक तो प्राइस भी सस्ता होता है, ये काफ़ी सस्ता होता है, इसके लगभग आधे दाम पे आपको ये मिल जाते हैं, लेकिन लुक वाइज काफ़ी पॉपुलर है। एक्चुअली ये आया ही था 2017 में, ऑप्शन 2017 के आसपास ये ऑप्शन आया था मार्केट में, और आते ही काफ़ी हिट हो गया, काफ़ी लोग इसके अपने घरों में यूज करते हैं, फर्नीचर में यूज करते हैं, डाइनिंग कॉफ़ी टेबल, और हर जगह काफ़ी फेमस है ये। ये फ़र्क होता है। अब बोलोगे कि बेटर कौन सा होता है, तो बेटर तो दोनों ही, अब सस्ता है ये है तो आप इसको भी रख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, ये होता है। इनमें कॉमन एक ब्यूटी होती है जो काफ़ी लोगों को पसंद आता है, जो होती है इसके अंदर जो लाइट इफेक्ट होता है ना, काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती है, आप देख सकते हो इसके अंदर अगर आप लाइट जलाओगे ना तो आर पार दिखेगा। आप किसी भी स्टोन में जला के देख लो, आप ये जैसे बड़ा वाला है इसको आप इसमें भी देखो, इसमें आप ट्रांसपेरेंट। अब आर्टिफिशियल में भी देख लेते हैं कि इसमें दिखता है कि नहीं, देखिए इसमें भी दिख रहा है। तो इससे क्या होता है कि जब आप कुछ भी लाइटिंग इफेक्ट प्ले करते हो अपने फर्नीचर के नीचे तो आर पार दिखता है, जिससे काफ़ी ब्यूटीफुल लुक निकल के आता है, जो काफ़ी आपके इंटीरियर को ग्रेसफुल बनाता है। इस वजह से ये काफ़ी फेमस है, लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। अब हम बड़े ऑप्शन में भी देख लेते हैं कि ये बड़े होने पे, मतलब बड़े सरफेस पे जैसे डाइनिंग वगैरह पे ये कैसा दिखता है, तो चलिए हम उसको भी देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया था ये आर्टिफिशियल है, आप देख सकते हैं ये डाइनिंग टेबल पे बना हुआ है, इसके ऊपर इनले वर्क भी हो जाता है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर पॉलिस्टर कोटिंग की गई है, और ये इसमें जैसे मैं ग्रेन्स की बात कर रहा था, आप देखो हर जगह सिमिलर मिलेंगे, बिल्कुल कैलकुलेटेड। ये आर्टिफिशियल ओनिक्स हो गया, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। ये आपका नेचुरल हो गया, आप देखो दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा, कितना ब्यूटीफुल है, ये नेचुरल है। अब
कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि ये हम इस पे डायरेक्ट हीट रख सकते हैं कि नहीं, हीट रखने पे कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो नहीं, आप हीट से थोड़ा सा अवॉइड ही करो, क्योंकि कुछ भी हीट डायरेक्ट हीट से ख़राब ही होता है। तो आप इसके ऊपर मैट यूज कर सकते हो, जिससे इसकी लाइफ बनी रहेगी। लेकिन डायरेक्ट हीट से भी मतलब कोई ज़्यादा इस पे नुकसान नहीं होता। इसके ऊपर पॉलिस्टर की कोटिंग होती है, जिससे इन फ्यूचर कभी स्क्रैच आ गए तो आप इसको स्मूथली आप इसको हटवा सकते हैं अपने घर पे पॉलिश करा के। तो ये फ़र्क है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या इनकी क्वालिटी होती है, क्या डिफरेंस होते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।